एक तो 1997 से हमने अब तक डेटा खंगाला और ये देखा कि कितना ने एक्चुअली नेट इन्फ्लोस किए हैं प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दोनों मिला के Correct. और दूसरा इसके पहले जो बड़ा इवेंट हुआ था जहां एक तगड़ा ऑफ या यू you नो know, इस तरह का कोहराम जो आज देखने मिला उस उसका देखने मिला था वो था लिमन ब्रदर्स का क्राइसिस आपको याद होगा साल 2009 में जब भारी भरकम फॉल जो है देखने मिला था मार्केट्स में और तब एफ ने जम के बिकवाली की थी उसके बाद जब एफ ने खरीदारी शुरू की थी वो था अप्रैल दो का समय जब एफ ने पहले बार मंथली लेवल पे खरीदारी की थी और तब से मार्च दो तक अगर आप देखेंगे मार्च दो क्यों लिया क्योंकि अप्रैल दो से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब तीन लाख नब्बे हज़ार करोड़ के आसपास की कंटिन्यूअस बिकवाली जो है एफ कर चुके हैं तो उस समय में यानी कि अप्रैल 2009 से मार्च 2021 के बीच में करीब तीन लाख तैंतीस हज़ार करोड़ के आसपास के जो इन्फ्लोज है या फिर जो ख़रीदारी है वो एफ ने की थी हालांकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं यू नो क्योंकि दो में निफ्टी काफ़ी नीचे था वो समय पर तो उस समय जितना खरीदारी की उसके बाद वो मल्टीप्लाई हुआ था तो जाहिर सी बात है कि तीन लाख तैंतीस हज़ार आपने अगर खरीदा है और उसके सामने बेचा कितना है थ्री लाख नाइन्टी टू थाउजेंड तो नेट नेट तो आपका जो है नलीफाइड हो जाता है पूरा लेकिन क्योंकि नीचे लेवल पे लिया था और ऊपरी सौर पे बेचते तो जाहिर सी बात है आपका मनी जो है वो भी मल्टीप्लाई हुआ है इसके लिए हम ये नहीं कह सकते हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ की जो नेट होल्डिंग है अगर निफ्टी कंपनी में आप देखेंगे तो करीब साढ़े उन्नीस परसेंट के आसपास की है जो कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरते आई है साढ़े इक्कीस से साढ़े उन्नीस आ गई हाँ साढ़े उन्नीस के उसके पहले अन थोड़ी और भी थी, भी थी। हाँ लगातार गिरते आई और अब साढ़े के आसपास आ गई है यहाँ से कितना गिरेगा गिराया